नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस चैनल पे हम शेयर बाज़ार से जुड़ी हुई सारी जानकारी और शेयर बाज़ार में यूज़ की जाने वाली टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हिंदी में बात करते हैं और रोज डेली चार्ट फ्रेम पे हम स्टॉक्स में जिसमें मूवमेंट हुई है जो इम्पोर्टेंट है अगले दिन के लिए उस पर हम बात करते हैं। यदि दोस्तों आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी हैवीली पेड कोर्सेस लेने की जरूरत ना पड़े और सारी चीज़ें निःशुल्क एकदम हिंदी में उनको मिलते रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। बात करने के बाद हम आज बात करेंगे सन फार्मा की। जैसा कि दोस्तों मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि ये जब भी 400 के नीचे आता है तो न जाने इसको क्या हो जाता है और एक पागलपन जैसी हरकतें करने लग जाता है, यानी कि बियरिश हो जाता है। जैसे कि आपने यहाँ से देखा, यहाँ से हम देखना स्टार्ट करते हैं करीबन ये 13 मई 2019 को इसने लो बनाया, उसके बाद यहाँ क्लोजिंग देखे गैप अप ओपन हुआ। जैसा कि आपको दिखाता हूँ, गैप अप ओपन हुआ उसके बाद रेंज में बनाया और जैसे ही इसने 400 को तोड़ा या इसके लो को इसने तोड़ा यहाँ से 397 से करीबन 370 20 पॉइंट इसने दिए, फिर हल्की फुल्की इसने बढ़त दिखाई थी और 3 दिन इस लाइन के ऊपर इसने सस्टेन किया और 4th दिन वापस इसने नीचे क्लोजिंग दिया। लगातार 3 दिन इसको नीचे क्लोज हो गए और आज इसने 397 से 392 के लिए अपनी सहमति दिखा दी है कि अब बस इसको गिरना ही है। यदि दोस्तों ये कल 390 के नीचे ट्रेड करने लग जाए या कल 392-390 के आसपास ओपन हो तो आप 400 के स्टॉप लॉस के साथ इसको सेल कर सकते हैं तो करीबन 10 से 15 पॉइंट या 20 पॉइंट हमें मिल जाएंगे। दोस्तों, ट्रेड करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या रिसर्च एनालिस्ट ज़रूर बात कर लीजिएगा क्योंकि ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है वीडियो है। ये कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जो भी करें इस वीडियो को देख के करें, ये एक साधारण सिखाने की या बताने की या जानकारी शेयर करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो यदि आप कोई सा भी ट्रेड लेते हैं और आपको उसमें प्रॉफिट या लॉस होता है तो सोलली आप खुद उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। दोस्तों, आज हम बात करें जिससे हमने ये 392 पे आया कल या हो सकता है 400 के आसपास खुले, फिर भी आपको शॉर्ट ही करना जब तक ये कंफर्टेबली अच्छे वॉल्यूम के साथ 400 के ऊपर ट्रेड करने ना लग जाए तब तक इसमें बुलिशनेस या डिलीवरी में बाइंग नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, और कल वोलेटाइल डे रहेगा क्योंकि बजट आने वाला है, थोड़ा सा सेफ प्ले करें। और दोस्तों, यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं।